हेलो दोस्तों, आज हम बता रहे हैं आपको मसूर की दाल के परांठे कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी मसूर की दाल लेंगे और उसको बॉईल करेंगे प्रेशर में। दाल में पानी इतना डालें कि जो दाल गीली भी ना हो और ज़्यादा सूखी भी ना रहे, अपने हिसाब से उसमें पानी डालें। अब इसको गैस पर चढ़ाकर 4 सीटी आने तक हम इसका इंतजार करते हैं, जब तक ये बॉयल होती है। अब दाल बॉयल हो चुकी है, ये देखिए, तो ना तो ज़्यादा गीली है और ना ही ज़्यादा सूखी है। अब हम इसको निकाल के सिलौटे में पीसेंगे। अब परांठों के लिए हम आटा गूंद के तैयार करेंगे। ये आटा गूंद के अब तैयार हो चुका है। अब हम जो मसूर की दाल हमने बॉयल करी है उसका मसाला बनाएंगे। अब हमने इसमें इसको सिलौटे में पीस दिया है और इसके बाद इसमें मसाले मिलाएंगे। चाहे तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मिक्सी में ज़्यादा बारीक ना हो, ये पेस्ट ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। अब दाल पीस के तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, पिसा हुआ अदरक और पिसी हुई लहसुन इसके साथ मिक्स करेंगे। अब ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको आटे के छोटे छोटे बॉल्स बना के, जैसे रोटी के लिए बनाते हैं, और उसके अंदर इसको भरेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कैसे भरना है। अब हम इसमें ये मसाला भरेंगे। ये भरने की विधि देख लीजिए कैसे भरते हैं। ये यहाँ से फोल्ड किया, ये भर चुका है। अब इसको हम बेलेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं वैसे बेलेंगे। अभी रोटी बेल के तैयार हो चुकी है। इसके अंदर मसाला है, बाहर से आटे की परत है और इसके अंदर ये मसाला है। अब इसको हम तवे में डालेंगे। अब जैसे परांठे बनाते हैं, सेम उसी विधि से हम इसे आगे बनाएंगे। अभी हमारे जैसे हम परांठे बनाते हैं वैसे इसको तैयार करेंगे। इसमें घी लगा के फिर इसको पलटाएंगे, जैसे परांठा तैयार होता है। ये देखिए, ये परांठा तैयार हो रहा है। अभी हमारा परांठा खाने के लिए तैयार है। आप इसको अब आराम से चाव से खा सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अंदर से कैसे बनी है। अगर हम इसको तोड़ के देखते हैं रोटी को, तो ये हमने रोटी तोड़ी और ये देखिए, जो हमने मसाला भरा था ये ऐसे हो जाता है। और इसको हम अब घी के साथ, जो देसी घी है या कोई भी घी है, उसके साथ खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। चाय